लोकसभा सीट नगीना। प्रदेश की नई लोकसभा सीटों में से एक है नगीना लोकसभा सीट। इस सीट को नई परिसीमन के बाद 2008 में बनाई गई और 2009 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। इससे पहले नगीना लोकसभा क्षेत्र बिजनौर के हिस्से में आता था। ये लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ लगभग 21% SC वोटर हैं और 50% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। इस लिहाज से ये सीट काफी अहम हो जाती है। 2009 में पहली बार जब इस सीट पर चुनाव हुए तब समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में यशवीर सिंह का पत्ता साफ हो गया और बीजेपी के यशवंत सिंह ने इस सीट पर कब्जा किया। नगीना लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नेहटौर और नूरपुर की सीट शामिल है। हालांकि ये सभी सीटें बिजनौर जिले में आती हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2018 में नूरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ जिस पर सपा के नईमुल हसन ने बीजेपी के अवनी सिंह को 6000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं बात करें 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी के यशवंत सिंह ने सपा के यशवीर सिंह को 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर कुल 15,74,994 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,38,144 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 7,36,688 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटों की संख्या 62 है। नगीना सीट पर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के यशवंत सिंह ने सपा के यशवीर सिंह को 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यशवंत सिंह को कुल 3,67,825 वोट मिले थे, बाकी सपा से यशवीर सिंह को 2,75,435 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा उम्मीदवार गिरीश चंद थे, जिन्हें 2,45,685 वोट मिले थे। 2009 में नगीना लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी से यशवीर सिंह ने जीत दर्ज की थी। यशवीर सिंह ने बसपा के रामकिशन को हराया था। यशवीर को 2009 के लोकसभा चुनाव में 2,34,815 वोट मिले थे। वहीं बसपा के रामकिशन को 1,75,127 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर RLD के मुंशी राम थे। मुंशी राम को 1,63,062 वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।